हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैशाली और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी कक्षा में। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करने की बहुत इजी सी ट्रिक, जिससे आप प्रैक्टिस करने के बाद बहुत कम टाइम में 3 डिजिट की मल्टीप्लाई बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे और बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी वो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करने के लिए थी और उसमें 3 स्टेप थे और इसमें 5 स्टेप है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस इजी सी ट्रिक के लिए बने रहिए पूरी वीडियो के साथ एंड तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हम एक 3 डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, अब देखते हैं क्या लेंगे हम। हमने ले लिया 112 और यहाँ ले लिया 213। अब हमें इनकी करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें पहले तो 5 कॉलम बना लीजिए आप, ऐसे करके 5 डैश बना लीजिए रिक्त स्थान। ठीक है, बना लिए। इसके बाद हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। इसमें जो है इसमें लास्ट वाले डैश में क्या हो रहा है, ये ऐसे करके जो एरो बन रहे हैं इसका मतलब क्या है वो बताती हूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 3 2 6 हो जाएगा। 6 इसी कॉलम में लिखना है जिस कॉलम में वो एरो बन रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने वो स्टेप लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला स्टेप है इसमें हमें क्या करना है, सेकंड वाले स्टेप में हमें इतना पोर्शन लेना है ये, और ये पोर्शन लेके हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला साइन ऐसे करना है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 × 1 होएगा हमारा 2 होएगा। ठीक है, 3 × 1 होएगा तो 3 होगा। अब इन्हें ऐड कर दो, 3 × 2 क्या हो गया हमारा 5 आ गया। तो इस साइन का मतलब तो ये हमने मल्टीप्लाई करी और ये इसके बाद हमें करना है ऐड। ठीक है, 3 × 2 हो गया हमारा 5, और जहाँ हमने हमारा वो ये बना हुआ है क्रॉस, ये हमने उसी जगह डिजिट रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये 3 वाला थर्ड स्टेप अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है ये वाले अब रब कर दो। ये तो मैंने समझा दिया आपको, वो मैंने साइड में इसीलिए बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ फिर घिचपिच हो जाएगी अगर मैं यहाँ बनाऊँगी। तो एक एक समझाऊँगी और एक एक यहीं पर ही बताऊँगी। अब जो हमें ये वाले साइन बनाने हैं, यहाँ थर्ड वाला जो स्टेप है वो हमारा आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई से करनी है, ये 1 है। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई हमने 3 से करी है, हमारा 3 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी है, हमारा 4 आ गया। और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी है, हमारा 1 आ गया। ठीक, अभी ने करना है हमें ऐड इस स्टेप से। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। ठीक, तो ये 8 हमें कहाँ रखना है, यहाँ बीच में जहाँ पर वो थर्ड स्टेप में रखा हुआ है, हमने यहाँ 8 रख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये वाला स्टेप तो हमारा हो गया, तो इसे यहाँ से मिटा दो। फिर अब करना है 4th स्टेप। तो 4th स्टेप में हमें ये वाला पोर्शन लेना है, इतने पोर्शन में हमें ये एरो लगाना है। 1 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, 4th स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। 5th वाले स्टेप में हमें वही लास्ट वाला पोर्शन लेना है और इतने की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 × 1 क्या होएगा हमारा, 2 होएगा। ये इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 2 3 8 5 6। ठीक है, ये हमारे 5 स्टेप से और ये हमारा आंसर आ गया। चाहे तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, यही आएगा आंसर। ठीक है, हमें एक एक स्टेप करना है और एक एक स्टेप रब करते जाना है। शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना पूरी इसकी एक बार, तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे इसे। ठीक है, तो इस ट्रिक को एक बार ट्राई करके देखना, मैं इसके और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक, अब हमारे पास ये 3 डिजिट हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, तो हमें फर्स्ट वाला स्टेप फॉलो करना है। पहले तो हमें यहाँ 5 डैश बना लेने हैं ऐसे करके। ठीक है, अब 8 × 5 = 40, 8 की मल्टीप्लाई हमने करी, यहाँ हमारा 0 आ गया। और जो हमारा सेकंड वाला वो है, 8 × 5 = 40 आया, यानी हमारी 2 डिजिट आई। तो इसका जो हमारा 4 ही होगा हमारा हासिल का। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई ली हमने सेकंड वाले स्टेप से, तो 5 × 2 = 10 हो गया और हमारा 8 ही कम 8 हो गया। ठीक है, ये हमारा 18 आ गया, 18 8 यहाँ लिया और 1 हासिल का। ठीक, अब हमारा थर्ड वाले स्टेप में क्या है, थर्ड वाले स्टेप के अनुसार यहाँ करो। ठीक है, 8 × 8 = 64 हो गया यहाँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 5 × 4 = 20 होगा। ठीक, और 2 × 1 = 2 होगा। अब इन्हें ऐड कर दो, हो जाएगा 6 86 हो जाएगा ये हमारा। ठीक, 86 हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 और यहाँ हमारा हासिल का रहेगा 8। और फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन लेना है, 4th स्टेप करना है। अब इसके बाद ये वाला पोर्शन लेना है, 4th स्टेप अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 × 2 = 16 और 4 × 1 = 4, 16 और 4 हो गया हमारा 20, तो यहाँ 0 और यहाँ 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 5th वाला स्टेप, 8 × 32 तो हमारा 32 आ जाएगा यहाँ।
इस पूरे डैश में, ठीक है। जो हमारे हासिल हैं अभी ने कर दो ऐड, यहाँ पे आएगी हमारी मल्टीप्लाई, ये आएगा 0, 8 और 4, 12 और यहाँ 1, 6, 7, 8, ठीक है। ये 8 हो गया, 8 और 0 ये हो गया हमारा 8, और 2 और 2, 4 और 3 का 3 सेम, ठीक। ये आ गया आंसर। यह हमारा 3 डिजिट वाला और एग्जांपल ले लिया हमने। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 5 डैश बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप लगाओ यहाँ पे, 5 × 10 मल्टीप्लाई करके 10 का 0 यहाँ, हासिल 1 यहाँ, ठीक है। फिर हमने सेकंड वाला स्टेप लेना है। सेकंड वाले स्टेप में इतने वाला पोर्शन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 5 × 1 = 1, 4 और 5 9 हो गया, तो हमें 9 यहाँ लिख देना है। उसके बाद 3 स्टेप, 9 × 5 = 45 हमने यहाँ लिख लिया, फिर 5 × 2 = 10 यहाँ लिख लिया, और 2 × 1 = 2, ठीक। इसे प्लस कर दो, 7 और 5 = 57 आ गया, 57 का 7 यहाँ रहेगा और 5 इसका हासिल में, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला स्टेप, इतने वाला पोर्शन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 × 2 = 18 और 5, 18 और 5 कितने होंगे हमारे 23 का 3 यहाँ आ गया, और 2 हमारा हासिल का। फिर लास्ट वाले में फिफ्थ स्टेप में हमें यहाँ करनी है मल्टीप्लाई, 9 × 5 = 45 और 45 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अभी ने कर देना है ऐड, तो 0 का 0, 9 और 1 = 10 और 1 यहाँ हासिल आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8, 5 और 3 = 8, 5 और 2 = 7 और ये 4 का 4, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हमारी आ गई ये। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरी पिछली वीडियो जो थी वो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करने के लिए थी, इसमें मैंने 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक बताई है, उसमें मैंने 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।